Hello and welcome. Back. चैनल वापस हम लोग आ चुके हैं रेंच सिमुलेटर में और आज हम लोग एक बहुत बड़ा चैलेंज करने वाले हैं जो चैलेंज है एक हजार मीट बॉल्स को बनाने का तो आपको याद होगा मैंने एक फैक्ट्री बनाई हुई थी मुझे ही है, और उस में, आज हम लोग उसका पूरा अच्छे से इस्तेमाल करने वाले एक सेकेंड हमारी फैक्ट्री कौन सी वाली है तो इसका क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रॉ मटेरियल

बीच में मुर्गी आ रही है एक ये है अब जाके मैं किसी और को नहीं मारने वाला इतने काफी हैं तो इनको स्किन कर लेते हैं फटाफट से यहाँ पे जितने बच्चे हैं ना ये बड़े हो जाएंगे तो ये बहुत है मतलब इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे इसको रख लेते हैं और एक मैंने ये मारा था ना एक ये है ओके तो यहाँ पे वाला काम हो चुका मैंने आज ही मतलब इतने सारे एग यहाँ से कलेक्ट किया ना फोर्टी ये है मेरे पास और ट्वेंटी ये है तो पूरे साठ एग मैंने यहाँ से कलेक्ट करे हुए जो जब भी हमको जरूरत पड़ेगी काम आ जाएंगे फिलहाल मेरे को अभी ऐसी जरूरत है नहीं इनकी यहाँ मैंने कूलर नहीं रखा हुआ है कोई ओके कोई बात नहीं तो मेरे को ये सब कलेक्ट करना है यहाँ पे को भी रख लेते हैं इसको भी रख लेते हैं ओके okay, अब जाके हम इसको बंद करते हैं और बाहर जाके थोड़ा सा इनके खाने पीने का जो इंतजाम है वो मुझे करना है तो वो मैं देख लेता हूं कि क्या क्या है हमारे पास आ, फूड कम ही यूज हो रहा है क्योंकि बहुत कम ही मेरे पास हो वगैरह है लेकिन अब जाके हम लोग कोई और रूस्टर रखने वाले नहीं है क्योंकि जितना चाहिए था उतना इनफ हो चुका है और यहां से मेरे को ये सारा लेके जाना पड़ेगा बहुत सारे कूलर है हमारे ने खेती भी ऐसे हो गई लेकिन मैं उस पर उतना ज्यादा फोकस कर नहीं रहा हूं क्योंकि उसमें टाइम बहुत लग रहा है और मैं वो सब काम नहीं करना चाहता जिसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है वो मेरे को लग रहा है कि खाली कूलर है बट मेरे को खाली कूलर नहीं चाहिए मेरे को एक गाड़ी चाहिए हम लोग इसी ट्रक में लेके जा सकते हैं और फैक्ट्री में लेके जाएंगे पहले मैं थोड़े बहुत बनाने रख दूंगा उसके बाद हम लोग उसको

ओ, ओ ओ मैं भूल जाता हूँ <laughs> मैं भूल जाता हूँ हर बार तो थोड़े से बैरल में एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जितने भी मेरे बैरल हैं सारे के सारे भरे हुए हैं मैं ट्राई करूंगा मैं बीच में ऐसे भूल जाता हूँ बट मैं ट्राई करूंगा कि ये मैं काम कर रूंगा क्योंकि आज ये जो चैलेंज है इसको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग, लगने वाला है आइडिया भी नहीं लगा सकता मैं कि कितना टाइम लगने वाला है तो उसके लिए मैं आपको बीच में एक और बार एक और बार नहीं कई बार हनी और निकाल के मैं इकट्ठा कर सकता हूँ अभी सिर्फ मैं चार बैरल लेके जा रहा हूँ बाद में कुछ और लेके चले जाऊंगा तो हो जाएगा हमारा काम हमारे जो बैरल्स है वो डे बाय डे भरते जा रहे हैं बहुत सारे मेरे पास अभी हो रखे हैं फिलहाल ये गाड़ी मेरे को कुछ ढंग से लग नहीं रखे सही से चल पा रही है मैं ये यूज नहीं करता हूँ वैसे बट अभी यूज कर रहा हूँ चलेगा काम अभी फिलहाल के लिए right, तो पहुंच गए हम लोग और जो ये वाला जो बी फॉर्म है हमारा बहुत छोटा सा है बट इसने बहुत सारा हमको बी बना के दे दिया पर तो अभी मेरे को कुछ और बैरल्स को भरना है जैसे यहाँ पर इसको हम लोग लगा लेते हैं उसके बाद इसको भी मेरे को निकाल के भरना है और इसमें तो बीज नहीं है आई थिंक हाँ इसमें बीज नहीं है और एक और था यहाँ पे इसमें है बीज लेकिन इसको लगाने के लिए मेरे पास अभी जगह नहीं है तो इसको फिलहाल यहाँ पर रख लेते हैं और इससे शायद पूरा निकल चुका होगा जितना भी निकलना है काफी निकल चुका है ओके तो यहाँ पर बहुत काम हो चुका है इतने सारे हैं जो रखे हुए हैं पूरे नीचे से ऊपर तक सारे के सारे जो बैरल्स है आज का जो चैलेंज है उसको कंप्लीट करने के लिए तैयारियां स्टार्ट कर देते बल्कि करना भी स्टार्ट कर देते क्योंकि बहुत ज्यादा बनाने हजार पूरे बॉल बनाने मुझे ओके okay गैस तो अभी निकल रहा हूं मैं यहाँ से और अपने जो पार्किंग एरिया है वहां पर हमारे बहुत सारे कूलर्स पड़े हुए हैं उन कूलर्स में बहुत सारा माल है इससे भी मुझे लग तो रहा है कि मतलब बहुत सारे हम लोग बना सकते हैं बट हो सकता है कि कम पड़ जाए एक आइडिया नहीं लग पा रहा अभी बट मैं फिर भी पहले से पिक्स ला के रख लूंगा हमारे पास भले ही अभी कोई बान एरिया नहीं है बट जो हमारा वो वाला घर है ना वहां वाला वो वाला उसमें हम लोग रखना स्टार्ट कर देंगे फटाफट से पहले यहाँ से लोड करता हूँ उसके बाद इनको लेके चलता हूँ अपने फैक्ट्री में तो पहली गाड़ी में लेके जा रहा हूँ बहुत सारा लेके जा रहा हूँ एक साथ में और हमारी ये वाली फैक्ट्री इसके अंदर मेरे को गाड़ी वैसे लेके जानी है हम लोग अंदर लेके जा सकते हैं गाड़ी हाँ मुझे याद है हम लोग अंदर आराम से छोटी वाली गाड़ी लेके जा सकते हैं मेरे को लगता है कि ना अपने रेंची के आस अपने रेंच के अंदर गाड़ी चलाने के लिए ये वाली सबसे बेस्ट है तो मैं इसको तो हम लोग ना ऐसे घुमा के लेके जाने वाले ताकि कूलर्स को ले जाने में थोड़ा सा इजी हो ठीक है तो दोनों साइड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मीट बॉल बनाएंगे क्योंकि जो दूसरा वाला है ना वो बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगता है उसमें और बहुत टाइम वेस्ट होता है इसलिए हम लोग सिर्फ मीट बॉल बनाएंगे अब जाके इनको निकालना स्टार्ट कर देता हूँ तो ये तो मुझे अभी नहीं बनाने तो इनको ना मैं कूलर में वापस रख देता हूँ वैसे भी गोड से हम लोग कुछ बना नहीं सकते और इसके अंदर भी जो है थोड़े बहुत बस चार मीट बॉल एक्स्ट्रा बने हुए हैं हमारे पास पहले से उसके अलावा कुछ भी नहीं है और यहाँ पर भी देख लेता हूँ थोड़े बहुत कुछ तो बना होगा इनको रख लेता हूँ इसमें कूलर के अंदर में इस वाले कूलर को रख लेते हैं ये और

और गोट मीट कौन कौन सा ओके ये गोट मीट भी आ रहा है बीच में कहीं पे तो ये गोट मीट वाला तो मेरे को पहले हटाना पड़ेगा ये वाला इसको यूज़ नहीं कर सकते इसमें इसमें भी बीफ है तो इसमें वाइल्ड मीट भी नहीं लगा सकते हम लोग शायद हाँ तो ये भी हटाते हैं यार बहुत सारे कूलर गो गोट मीट वाले भी होंगे इसमें भी एक सेकेंड ये मेरे को निकालना कैसे है ओके ओके धीरे धीरे करके हम लोग स्पीड पकड़ेंगे और बहुत जल्दी जल्दी काम होगा थोड़ी देर देखता हूँ उसके बाद हो सकेगा तो मैं तीन और मशीनें यहाँ पर लगाने वाला हूँ तो इसको भी हम लोग हटाते हैं बल्कि एक काम करता हूँ लगा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मीट बॉल में ज़्यादा स्पीड से बना सकता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरे को ना थोड़ा सा भी वेट ना करना पड़े उस लिए हम सारा काम करने वाले हैं ओके तो अभी एक बार में हम लोग बहुत सारा मीट बॉल बना सकते हैं पूरे छः मीट बॉल एक बार में बनेंगे तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा और जल्दी भी होने वाला है तो फटाफट से अभी रखते हैं मेरे को वेट नहीं करना पड़ेगा मतलब मेरे को ना वेट करना पड़ रहा था तो अब वो नहीं करना पड़ेगा हमको जब तक मैं यहाँ तक पहुँचूँगा तब तक वो वाला हो चुका होगा मैं उसको निकाल सकता हूँ ये और ये निकाल सकता हूँ ओके गैस तो स्पीड तो बहुत बढ़ चुकी है और अभी हमारा काम आसान हो जाएगा थोड़ा बहुत तो हेल्प मिलने ही वाली है ठीक है तो इतना ढेर लग चुका है अभी बस स्टार्ट ही किया है काम अभी तो बहुत बड़ा ढेर लगना बाकी है उसके बाद मैं इनको लगाना स्टार्ट करूंगा कूलर में रख के फिलहाल हमारे कूलर पर कूलर यहाँ पर खाली होते जा रहे हैं <laughs> बहुत लगने वाला है मैं ये देखो गोट मिल है तो गोट मील भी बहुत है हमारे पास गोट मीट सॉरी मैं मील क्यों बोल रहा हूँ और कौन सा है गोट मीट देखो ये भी है ये नहीं है और ये भी गोट मीट था गोट मीट भी, भी बहुत है उसमें तो हो सकता है मेरे को ना अभी जाके थोड़ी देर में थोड़े से मीट बॉल बनाता हूँ यानी कि एक बार के तो एटलीस्ट बना ही लेता हूँ उसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर ओके गाइस तो यहां पे एक पूरा दिन बीत गया और अपनी जो गाड़ी में भर के लेके आया था वो पूरी मैंने खाली कर दिया यहाँ पर कूलर्स का ढेर लग चुका है उसके अलावा यहाँ पे मैंने जो लास्ट एपिसोड लास्ट नहीं जब भी मैंने ये फैक्ट्री बनाई थी तब मैंने जो भी यहाँ पर बनाया था जो भी यहाँ पर मैंने कूलर सर गए थे मैंने सारे के सारे कूलर खाली

लैग हो जाता तो उनके साथ है। पिक्स के साथ प्रॉब्लम है के इतना तो नहीं है बट फिर भी मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा कि उनके खाने पीने का कैसे होगा या मेरे को बीच बीच में जाकर ध्यान रखना पड़ेगा उनको खाने का देना पड़ेगा और मेरे पास जो भी मेरी फसल तैयार हुई थी अब वो काम आने वाली क्योंकि ऑटोमेटिक मैं अभी बना भी दूं तो टाइम लगेगा उसमें उसके लिए नहीं मैं से बना सकता हूँ एक सेकंड हाँ मैं बना सकता हूँ मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक मेरे को एक फूड वाला बनाना पड़ेगा पानी वाला भी बनाना पड़ेगा वहां पे ताकि वो बच सके वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको बचाना अभी इनको लगाता हूँ और ये देखता हूँ कि कितना होगा क्योंकि मुझे पता नहीं की पूरे जो मेरे दस ये शेल्फ है बीस शेल्फ है वो भरेंगे या नहीं भरेंगे बट मुझे लग रहा है कि शायद भर जाएंगे एक्स्ट्रा ही होंगे मुझे ऐसा लग रहा है देखते हैं कितना होता है फिलहाल कंटिन्यू करते हैं अपना काम बहुत सारे लगा रहे हैं मुझे अभी तो ये लास्ट वाला मेरा शेल्फ बचा हुआ है मुझे लगा

हम लोग आराम से इसमें से अच्छे खास निकाल सकते हैं मतलब देख देखो कितना सारा भरा पड़ा है यहाँ पे अभी मुझे लग रहा है कि उससे एक और बार पूरे के पूरे शेल्फ भर जाएंगे बहुत सारा है यार पहले ना एक और बार गाड़ी से निकाल के जितने कूल, आ, कूलर आ रहे हैं गाड़ी में वो सारे में उनको मीड बॉल में कन्वर्ट कर लेता हूँ और फिर जाके हम लोग चिकन लेना या फिर जो पिक्स मेरे को लेके आने वो मैं स्टार्ट करूंगा ठीक है मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ कि मेरे को एक्स्ट्रा पिक्स लेके आने पड़े क्योंकि फिर उसके लिए मेरे को फूड वाला भी बनाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है अब अगर मैं यहाँ कहीं पर बनाऊँ जहाँ पर मेरे चिकन वाला फार्म है इधर पे तो मेरे को फिर स्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा <laughs> बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है या और हमें वापस से कूलर लेके रखो अरे यार गोट मीट कहां से आ जा <laughs> गोट वाला मुझे ऐसा लग रहा है ना वह होने वाला बहुत सारे तो इसमें गोट वाले निकल रहे हैं उसके अलावा तो नहीं कहीं पर यहाँ तो नहीं है ठीक है तो वापस हम लोग लग जाते हैं काम पे और वो काम में वैसे आज सो जाते हैं यार कल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कल रात में सोया नहीं हूं तो थकान भी थोड़ी बहुत हो चुकी है एक दिन सोना बनता है उसके बाद हम लोग लग जाएंगे वापस काम में बहुत सारे काम कर रहे हैं मेरे को लेकिन मुझे पता है आराम से काम हम लोग कर सकते हैं मुझे सात बार और ये भर रहे हैं एक बार तो हो चुका है सात बार और बचे बहुत बहुत कैलकुलेशन करके चीज़ें हो रही है चलो अरे ये तो मीट बॉल है एक सेकंड ये भी मीट बॉल है ओके गायस्त तो एक छोटा सा हनी ब्रेक हनी ब्रेक लेने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर क्योंकि एक ही काम को कर करके ना मैं पक जा रहा हूँ बार बार तो अभी बीच बीच में हम लोग और कुछ काम करते रहेंगे हो सकेगा बीच में पाइनएप्पल भी लगा देंगे तो वो भी अपना अपना जो फसल है वो तैयार हो जाएगी अभी ये काम करते हैं थोड़ी देर आ, हो रहा है शायद हाँ हो रहा है ओके तो थोड़ी देर ये काम करते हैं उसके बाद वापस लग जाएंगे तो मेरे जो अभी शेल्फ मैंने लगा रखे हैं ना वो मीट बॉल बन तैयार भी होने वाले हैं उनको निकालूंगा और जो नए बनके तो ऑलरेडी मैंने बना रखे मीट बॉल उनको रख दूंगा तो यही प्रोसेस करते रहना मेरे को बार बार हाँ यार बहुत मुश्किल काम है बट हो जाएगा मुझे पता है मैं कर लूंगा इसको ये भी मेरे बहुत इकट्ठे होने वाला है देख रहा हूँ मतलब ये मैं पूरे हंड्रेड करने वाला हूँ धीरे धीरे अगर हम लोग करते रहेंगे तो एक बार में तो नहीं हो पाएगा लेकिन हाँ हंड्रेड हो जाएंगे और तब हम लोग इसको सेल करेंगे या फिर हो सकता है थाउजेंड करने के बाद सेल करें तो कुछ भी हो सकता है फिलहाल तो मेरे सेल करने के मूड में नहीं हूँ हाँ मेरे पास पैसे कितने हमारे पास सत्रह मुझे लगा एक लाख अठहत्तर कैसे हो गए सत्रह डॉलर है हमारे पास जो की बहुत पैसा है तो पैसे की कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे और अभी इनको निकालते हैं फ्यू मोमेंट्स लेते तो एक और हमारे यहाँ पर बैरल भर चुका है जितने में लेके आता ना चार चार के चार भर चुके हैं अब इसमें थोड़ा बहुत हनी बचा भी है एक और राउंड बीच में आऊंगा तब जाके कुछ और मैं बैरल भी लेके आ जाऊंगा और उस टाइम फिर से इनको निकाल लूंगा अभी तो हम लोग आज हनी भी इकट्ठा करने वाले हैं बहुत सारा मीट बॉल बनाने के चक्कर में तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास कितना हो चुका है फिलहाल इसको अरे बंद हो जाए बंद हो जाए यार ओके okay, गएगा तो अभी हम लोग चल रहे हैं आगे और मैं आपको दिखाता हूँ की कि हमारा कितना हो चुका है कितना हम लोगों ने बना लिया है मीट बॉल तो मीट बॉल की रेसिपी दिमाग में छप जाएगी इतना ढेर यहाँ पर लगा पड़ा है बहुत इसीलिए मैं अभी पिक्स को लेकर नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है हम लोग ने अभी ऑलरेडी यहाँ पर बहुत इकट्ठा कर रखा और बहुत हम लोग बना सकते हैं ठीक है इसमें भी है ना इनको भी लगा लेते हैं फटाफट से ओके तो ये शायद मेरे को लग रहा है हो गए हो गए हो गए ओके तो ये भी सब हो चुके हैं फटाफट से वहां से निकालने भी स्टार्ट कर देता हूं और कूलर में मेरे को भरना पड़ेगा तो मुझे 83 कूलर्स भरने पड़ेंगे तब जाके हम लोग मीट वॉल बना पाएंगे जो कि बहुत ज्यादा होते हैं 83 सुनने में ज्यादा लग रहा है और थाउजेंड भी ज्यादा लग रहा है लेकिन जब ऐसे कैलकुलेट करो कि मेरे को बस आठ बार ये काम करना है तो थोड़ा सा आसान लग रहा है ये हमारे थर्ड रात शायद थर्ड सेकेंड रात है पता नहीं बट हमारे डेढ़ दिन भी पूरे होने वाले तो वो अचीवमेंट भी एक हो जाएगी मतलब रेंज सिमुलेटर में डेढ़ सौ दिन बहुत होते हैं यार कब से खेल रहा हूँ मैं गेम बहुत टाइम हो चुका है मेरे को ये गेम खेलते हुए ओके okay गाय तो यहाँ वाला पूरा निकल चुका है एक बार सारे निकाल लेता हूँ बाहर उसके बाद हम लोग इनको कूलर में भरना स्टार्ट करेंगे अब यहाँ वाले भी निकाल लेते हैं जल्दी से यहाँ यहाँ वाला ना थोड़े से मीट बॉल मिक्स हो गए एक सेकेंड रॉ वाले में रॉ लिखा आता है क्या नहीं पहले भर लेता हूँ पता चल जाएगा जो रॉ होंगे उनको निकाल लूंगा वरना दुकान में बेचूंगा तो थोड़ा सा रेट कम मिलेंगे क्योंकि मैं इनको सेल भी करने वाला हूँ इसमें रॉ तो नहीं है ना कोई भी ओके रॉ नहीं है इसमें ओके ठीक है ठीक है ठीक है तो ये सही है ऐसे ही मुझे करना है यहाँ थोड़े से ना मिक्स मुझे लगा था कि हो रखे हैं शायद बट कलर से आइडिया लग जा रहा है वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कलर से पता चल जा रहा है रॉ नहीं है ना इसमें है ये वाला रॉ है अब जो बन गए हैं ना उनको मैं रख देता हूँ यहाँ पर रखना स्टार्ट कर देता हूँ तो हमारा सारा एरिया प्रॉपर तरीके से मैनेज हो पाएगा ठीक है जो बन चुका है यहाँ पर इसमें रॉ का देखना है कि मुझे कोई रॉ ना हो ओके okay, ठीक है ठीक है ठीक है और ये पूरे ग्यारह कूलर से यहाँ पर भर चुके हैं और इसमें सिर्फ एक कम है तो उसको हम लोग रख देंगे बाद में अब बारी आती है इनको लगाने की तो वही काम रिपीटेड हो रहा है एक काम कर रहा हूँ फिर दूसरा काम कर रहा हूँ अब मुझे वापस से इनको लगाना है यहाँ पे स्टार्ट करना है तो लगाते हैं जल्दी से और थोड़ी देर में आपसे मिलता हूं मैं तो भी फाइनली बारी आ चुकी है पिक्स को बाय करने की क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा है अभी मैं एक और गाड़ी भर के लेके गया था और मुझे लगने लगा है कि खत्म हो सकता है कभी भी हमारा जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है तो उससे पहले क्योंकि मेरे को वेट करना पड़े पिक्स के ग्रो होने का तो हम लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं बस ये है बट अनफॉर्चुनेटली वो मर चुके थे तो अभी चल रहे सीधे जनरल स्टोर में और ये क्या गाड़ी कैसा व्यू मिल रहा है मेरे को मेरे को ऐसे चलानी पड़ेगी <laughs> यार mm. एक सेकेंड रुको ये ऐसा व्यू क्यों मिल रहा था मेरे को तो अभी बारी आ चुकी है पिक्स को बाय करने की ठीक है तो ले आते हैं अभी इसमें कितने आएंगे शायद मेरे को याद भी नहीं कि इसमें कितने आते हैं जितने भी आएंगे मैं ले आऊंगा और उनको मैं रखने वाला हूँ अपने चिकन फार्म में क्योंकि मुझे लगता है कि वो सबसे सही आइडिया रहेगा क्योंकि अगर मैं उनको अलग जगह रखता हूँ अपने जो पार्किंग वाला एरिया व्हाइट वाला उसमें बिल्डिंग में रखता हूँ तो मेरे को खाने का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा यानी कि मेरे को उनका फूड के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना पड़ेगा अगर मैं वो नहीं बनाता हूँ तो मेरे पास जो फसल है वो मैं रख भी दूंगा ना तो प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम ये होगी कि मेरे को बार बार वहां जाना पड़ेगा वरना वो मर सकते हैं तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ उसको और चिकन वाले फार्म में आराम से बाहर बहुत जगह है तो उसमें कम से कम चार पिक तो आराम से आ जाएंगे बड़े होंगे तो उनको फिर वहां से वापस लेके मार के फिर हम लोग अपना आगे का काम करेंगे स्टार्ट फिलहाल इसको ओपन कर लेते हैं और अब जाके हम लोग यहाँ से कुछ पिक्स को बाई कर लेते हैं मैं पहले चार ही बाई मैं दो 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 करके बाई करता हूँ मुझे नहीं पता कि कितना होने वाला है तो मेल वाला यार बड़ा कौन सा होता है Hmm. चलो अभी फ़िलहाल एक मेल एक फीमेल दोनों कर लेता हूँ और इनको रख लेता हूँ ब्रीड हो जाएगा तो अच्छी बात है ना हमारा तो फ़ायदा ही है उसमें कहाँ गए ओके एक ये है और यहाँ बीच में से भी दरवाज़ा होना चाहिए तो वैसे इस ये बहुत सही लगता है दिखने में चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ 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 इसको अंदर रख लेते हैं एक कहाँ निकल गए <laughs> एक इधर निकल गया आपस में अलग ही यार इसमें ना वो ऑप्शन नहीं आ रहा है कि मैं इनको रख दूँ और ये फिर इसके बाद हिले ना इसमें क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ओके okay, ओके okay, आ चुका है ये नहीं रखा था ना मैंने ये भी मेरे को रखना पड़ेगा अः आप सही है आप सही है मैं वही सोचू कि क्यों नहीं आ रहा था अब तो हम लोग एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं थोड़े बहुत और दो और बाई कर लेते हैं ओके okay, तो हमारे पर आ चुके हैं और अब जाके मुझे इनको रखना है बाहर अबे कहाँ भाग रहा है रुक इधर इधर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है बट आ, कर लेंगे मैंने यार ये अंदर पे इतने सा एक सेकेंड कोई ओह मेरे को लग रहा है ऐसा हो सकता है कि कोई ना उसमें से रूस्टर बन गया जो बच्चा था पहले तो अब वो आ रहा है बाहर को मतलब उसके बच्चे हो रहे हैं तो ठीक है हम लोग इसको भी यूज़ कर लेंगे अभी ज़्यादा मेरे को लैग लग तो नहीं रहा है तो हम इसको ना यूज़ कर लेंगे अपने फ़ायदे के लिए मतलब हम उनको मार लेंगे जब बड़े हो जाएंगे चिकन को और उसका भी हम लोग मीट बॉल बना लेंगे ठीक है ये ये आप या यार इधर इधर से अंदर बाहर तो जा इधर आ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ आ गए ना ओके ना मैं इनको ना अभी अंदर रखने वाला हूँ क्योंकि मेरे को दूसरा उनको लाने नहीं देंगे अभी चले जाओ यार जल्दी आ इधर आ इधर इधर इधर, इधर, इधर आओ इधर पर डाल देता हूँ इनको खाना वाना खा लेंगे आराम से ओ ये खाना भी तो इनका मेरे को बनाना पड़ेगा ये तो खा ही नहीं पाएंगे ऐसे खा सकते हैं क्या नहीं ये ऐसे खा नहीं पाएगा कुछ भी चला जा अंदर आ जाओ ओके गए तो सारे के सारे पिक मैंने अंदर पहुँचा दिए अब मुझे ये डाउट है कि क्या ये वो खाना खा लेते हैं क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक फूड वाला तो बना हुआ है लेकिन ये छोटा सा है क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि खाना खाने के लिए यहाँ जाने की जरूरत नहीं है इसमें से भी ये ऐसे भी खा सकते हैं बस होना चाहिए खाना तो अभी थोड़ी देर तो मैं इनको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ और जब मुझे लगेगा कि यार नहीं ये मर रहे हैं मैं बीच में एक बार चेक करने आऊँगा तब जाके हम लोग वापस इनका खाना भर देंगे तो फिलहाल यहाँ पर खाना भर देते हैं और हो चुका अपना ये वाला काम भी हो चुका जब तक मैं और काम करूँगा यहाँ पर पिक्स बड़े हो जाएंगे तो ऐसे ही मेरे को रिपीट करना पड़ेगा जब तक हमारे पूरे हज़ार मीडवॉल तैयार नहीं हो जाते ओहे oh ऐसे yeah, so बहुत देर से मैं यहाँ पर काम कर रहा था और मुझे पता क्या लग रहा था पहले मैंने यहाँ पर आठ रखे थे एक रो में ठीक है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आठ है और ये छः है इसका मतलब अभी मेरे पास पचास पचपन या साठ के अराउंड जो कूलर्स हैं वो हो रखे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बहुत कम पड़ने वाले हैं क्योंकि अभी मेरे पास जितना भी था मैं यहाँ पर रख के आ चुका हूँ ठीक है उसके अलावा अब मैंने वहाँ पर मेरे जो पिग्स थे मैं एक बार चलता भी हूँ साथ में वहाँ पे तो मेरे जो पिग्स है ना वो दो पिग मर गए पता नहीं क्यों थोड़े से बड़े हुए हो लेकिन अभी मर चुके हो मुझे समझ मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा हुआ क्योंकि क्यों वहाँ पर खाना तो था दो तो बचे हुए हैं लेकिन मैं दो और लेके आया और मुझे ऐसा लगे कि मेरे को ना अभी बहुत टाइम लगेगा पूरे थाउजेंड मीट बॉल बनाने में क्योंकि था ही नहीं मेरे पास सामान अब अब खत्म हो चुका है तो अब इनको ये दो मर ये मर क्यों गए तीन पता नहीं और यहाँ पे इतने सारे अंडे देखो दोबारा से 156 चल रहा है ड्रे <laughs> तो यहाँ पे इतने सारे अब मुझे लगता है कि इतना इनफ है तो मेरे को इसको भी मार देना चाहिए हम लोग इसको भी मार देते हैं क्योंकि यहाँ पे ना जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको मार देते हैं और ये जो दो पीघे इनको भी मार मारना पड़ जाएगा अभी मजबूरी है अभी जल्दी लोड कर ले यार कितना टाइम लगा रहा है इसको इसको और सामने वहां पे इसको यहाँ पर मेरे को रूस्टर्स और नज़र आ रहे हैं अभी इसको छोड़ देते हैं इनका बाद में हम लोग करेंगे तो फिलहाल यहाँ से मैं निकल रहा हूँ और हम लोग थोड़े से कूलर्स भर के लेके जा रहे हैं यहाँ से ठीक है तो उसके बाद हम बाकी सारा काम करेंगे तो अब ये इस बार मैं जो बनाऊँगा वो लास्ट होने वाले हैं तो हमारे अभी मैं अगर आपको बताऊँ तो नौ के अराउंड हमारे हो चुके हैं मैंने एग्जैक्ट गिना नहीं बट हाँ मैंने कूलर्स देखे कि हमारे पास दस कूलर है एक रो में और उसके बाद हम लोगों ने छह हाइट रख रखी उसके बाद अलावा दस और पंद्रह सोलह और है नौ तो सौ के नौ सौ से ज्यादा ही हो रहे तो अभी बहुत है इतने अब जाके तीन चार कूलर में ये आ जाएगा तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा आराम से हो जाने वाला है जितना भी कूलर भर रहे हैं मैं भर के लेके जा रहा हूँ बस कम ना हो मेरे को यहाँ पर आना ना पड़े बट यह है कि हमको अब दोबारा से कोई पिक विक लाने की जरूरत नहीं है हो जाएगा हमारा काम ठीक है इतना ही लेके जा रहा हूँ मैं इतना काफी रहेगा फटा फटाफट से इनको रखते हैं लोड करते हैं गाड़ी को और मेरे को हनी भी मैंने बहुत देर से निकाला नहीं है मुझे वो भी निकालना था यार मैं भूल ही गया उसको मतलब मैं इतना ज़्यादा काम में फोकस्ड था ना इसीलिए मैं बहुत देर से रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा था मुझे ऐसा लगा था कि शायद अभी तो मतलब मेरे को बहुत कूलर्स भरने हैं बट अभी मैंने अच्छे से काउंट किया तो पता चला कि नहीं नहीं ये तो जिसको मैं आठ रो समझ रहा था वो उसमें दस है एक रो में तो मेरा बहुत मतलब मेरे को बड़ा सही लगा यार कि इतना काम आसान हो गया हमारा मतलब मैं कर ही रहा था काम बट मुझे ऐसा लग रहा था यार ये खत्म ही नहीं हो रहा खत्म ही हो नहीं रहा बट मैं ऑलरेडी कर चुका था उसको तो यहाँ पे चिकन भी कुछ मर चुके हैं खाने का मुझे लग रहा है कि पता नहीं कैसे मतलब एक तो बचा हुआ था ना अभी तक तो बाकी सर्वाइव नहीं कर पाया तो बर्तन था ये भी एक रीजन हो सकता है फिलहाल इसमें भरते हैं यहाँ से ओके तो जितने भी पिक थे मैंने मार लिए अभी जो छोटे वाले थे मैंने उनको भी मार दिया तो इसी से अब काम हो जाना चाहिए कम नहीं पड़ना चाहिए वैसा लग रहा है कम नहीं पड़ेगा बट काउंट मैं नहीं कर रहा हूँ तो हो सकता है कम भी पड़ सकता है चेक करते हैं एक बार इनको लगाता है क्योंकि ये लास्ट बैच होने वाला है उसके बाद से खत्म पूरा काम खत्म हो चुका है हमारा फिर जाके हम इसको कूलर को भरेंगे अपने एक ट्रक में और उसके बाद सेल करने जाएंगे देखेंगे कि कितना रेट मिलता है पूरे थाउजेंड मीट बॉल बेचने पे तो अभी पहले अंदर गाड़ी को लेके चलते हैं यहां पे रोक लेते हैं और अभी ये देखो यहाँ पे इतने सारे कूलर भरे इसमें शायद ओके okay, सब में भरे हुए हैं बारह 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 ओके 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 ठीक है ठीक है तो अभी और मीट बॉल बना लेता हूँ फटाफट से ये बने हुए रेडी उनको इधर रख लेता हूँ और फटाफट से थोड़े बहुत जो लास्ट की मीट बॉल्स है वो बना लेता हूँ उंगलियों में दर्द करने लग गया लेकिन जितना मुश्किल मैंने सोचा था उतना मुश्किल भी ये काम था नहीं ओके okay हो तो यहाँ पे अभी मेरे पास हो चुके हैं आ, दस एक रो में है और उसमें है कॉलम में एक दो तीन चार पांच तो सिक्सटी हो चुके हैं सेवेंटी एटी मेरे पास हो चुके हैं और मेरे को सिर्फ तीन कूलर और चाहिए जिस हिसाब से मैंने कैलकुलेट कर रखा है तीन या चार कूलर एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा लेके जाऊंगा लेकिन यहाँ पर मेरे पास थोड़े से ये है रेडी है और कुछ यहाँ पे है थोड़े से और बाकी मेरे पास एक्स्ट्रा ही बन चुके हैं मतलब एक्स्ट्रा बन चुके हैं और यहाँ पर भी अभी तो ये मैंने निकाला ही मैं तो भूल ही गया ये भी है तो इनको भी फटाफट से लगा देते हैं और जब तक ये तैयार हो रहे हैं उस तब तक वेट तो नहीं करते देखो तैयार वैसे ऑलमोस्ट हो चुके हैं तैयार मैं सोच रहा था कि मैं एक बार बी निकाल लूँ हनी निकाल लू करके बट अभी मुझे लग रहा है कि हो चुके हैं तैयार तो हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि मेरे को एक बार हनी निकालने के लिए पहले मेरे को बैरल भी खरीदने पड़ेंगे तो वो अभी मैं नहीं चाह रहा कि वो काम करूँ बस यहाँ पे होने वाले हैं और ये रेडी है ना शायद हाँ उसके बाद ये सारा गोट वाला है यहाँ पर ठीक है तो गोट वाला यहाँ पे सारा रखा हुआ है और यहाँ पर भी अभी बहुत सारा लगा हुआ है तो मतलब एक्स्ट्रा है हमारे पास बहुत ज्यादा तो ये चीज बहुत अच्छी है कि यार एक्स्ट्रा हुआ है और यहाँ पर भी गोट मीट गो, गोट वाला है ना कहीं पे और ये है तो इसको ना सब मैं ऊपर से सजा के रख रहा हूँ ताकि यहाँ पे दिखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा था उसके अलावा थोड़े बहुत और भी कूलर थे वहाँ पे गोट वाले जो मैं यहाँ पर रखे हुए हैं जो मैं उधर रखने वाला हूँ और इनको मैं फिलहाल ये लगा देता हूँ तो पास करना अभी है क्योंकि उसको होने में थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है ऑलमोस्ट हो चुके हैं ये वाला तो अभी लगा रखा है ये वाला हो चुका है एटी तो बस हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे ओके गैस तो अभी मैं लास्ट वाला यानी कि एटी वाला हम अपना कूलर भरने की कोशिश करेंगे यहाँ से ऑलमोस्ट uh, हो चुके हैं सब हो चुके हैं यहाँ पे तो ये सब निकाल देता हूँ एक एक्स्ट्रा मैं लेके जा रहा हूँ क्योंकि 83 थ्री नहीं चाहिए थे थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए था तो उतना एक्स्ट्रा तो नहीं पता चला कि कितना चाहिए एग्जैक्ट बट मैं एक कूलर एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ एक्स्ट्रा हो जाएगा तो चलेगा आ, ओके बारह इसमें हो चुके तो हमारे एटी थ्री तो कम्पलीट हो चुके हैं कूलर से यहाँ पे उसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं ट्वेल्व से तो नौ कुछ तो आ रहा था एक सेकंड उसके बाद हम अभी इतना थोड़ा सा जो बचा हुआ है ये लेके चलते हैं ये अभी हुआ नहीं है थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी कौन से लेके जाऊं किस में भर के ले जाऊं ये एटी थ्री इनको रखने में भी टाइम लगने वाला है बहुत कूलर है ठीक तो इसके अलावा अब मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है एटी थ्री कूलर हो चुके थे और अभी मैं इसमें चार एक्स्ट्रा और लेके जा रहा हूँ इतना ही मेरे को लेके जाना है तो मैं एग्जैक्ट लेके जा रहा हूँ ठीक है अब हम इतने कूलर किस में लेके जाएंगे उसके लिए मेरे को सोचना पड़ेगा तो पहले तो यहाँ से ये गाड़ी मैं निकालता हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक दूसरी गाड़ी हमको लेके आनी पड़ेगी मैं सोच रहा हूँ कि ट्रक लेके जाऊँ क्योंकि मेरे जितने भी ट्रेलर हैं ना वो भरे हुए हैं तो ट्रक मेरे को देखना पड़ेगा ट्रक मैंने किधर रखा हुआ है मेरे को ट्रक देखना पड़ेगा कहीं पे इसको लगा देते हैं यहाँ पे और ट्रक किधर खड़ा कर दिया मैंने मेरे को दिख ही नहीं रहा ट्रक <laughs> A few moments later. मुझे मेरा ट्रक ही नहीं मिल रहा तो मुझे याद आ रहा है कि शायद मैंने अपने फार्मिंग वाले एरिया में रखा होगा क्योंकि मैं उसमें एक बार सीड लेके आया था बहुत सारे तो मैं बाहर भी देख के आ चुका हूँ जो हार्डवेयर स्टोर है हार्डवेयर स्टोर नहीं जो हमारा गाड़ी का शोरूम है वहां पे तो मैं पैदल पैदल चल दिया वहां को लेकिन वहां पर भी नहीं था और हाँ सामने मेरे को दिख रही है गाड़ी वहां पे है हमारी गाड़ी क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मैंने बेची तो नहीं है कम से कम तो मेरे को दिखने रही थी लेकिन फाइनली याद आ गया हाँ उधर है ग्रीन कलर की है ना दिखने रही प्रॉपर तरीके से शायद वो अंदर से खाली होगी क्योंकि अगर खाली नहीं होगी तो फिर वो खाली करनी पड़ जाएगी मेरे को लग रहा है शायद थोड़े बहुत सीड्स हो सकते अरे नहीं इसमें बहुत सारे सीड है मैं इनको कूलर में भर सकता हूँ ना बट मेरे पास अभी कूलर भी नहीं है तो फ़िलहाल हम इसको यहीं पर रखने वाले हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत तो यहीं पर पड़ने वाली है और अब हम गाड़ी में बैठ के चल देते हैं ओके okay, इतना बड़ा ट्रक तो नहीं ले जा सकता हूँ अंदर लेकिन मैं इसको ना इधर लगा सकता हूँ प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा।, थोड़ा सा थोड़ा सा मेरे को जूम आउट करना पड़ेगा और शायद लग जाएगा आराम से लग जाना चाहिए एग्जैक्ट गेट पर लगेगा ना तो थोड़ा सा आसानी रहेगी अब मैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा ये नहीं पता मुझे अंदर बट ये लग तो गया अब अब मेरे जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई जंप नहीं कर सकता यार एक एक गेट होना चाहिए था ना पीछे जहाँ से मैं निकल जाता बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है अब इसको मैं बंद करूँ थोड़ा सा मेरे को आगे लेके जाना पड़ेगा इसको हाँ ओके शायद अभी काफ़ी है आ, अभी भी नहीं जा पा रहा हूँ कैसे जाऊँगा अंदर अरे यार ये बहुत मुश्किल है मेरे को थोड़ा और आगे लेके जाने पड़ेगी गाड़ी बस इतना काफ़ी अभी तो बहुत आगे निकल के लेके जा चुका हूँ ओके okay, तो ये है सारे तो पहले तो इसको साइड में रखते हैं हम लोग इसको भी लेके चलेंगे बट पहले मैं इनको सारे इधर लेके आ जाता हूँ ज़्यादा मुश्किल होना नहीं ज़्यादा टाइम लगना नीचे वैसे कूलर्स को रखने में तो फटाफट से हम लोग इसको इधर से निकाल लेते हैं ओके okay, गैस तो आखिरी के कुछ कूलर्स बचे हुए हैं और मैंने सारे के सारे कूलर अपने ट्रक में भर दिए हैं अब जाके वहीं पर पता चलेगा कि एग्जैक्ट वन है या उससे थोड़े से कम पड़ गए बट मैंने एग्जैक्ट रखे हुए तो हिसाब से एकदम बराबर एक्चुअल में बहुत ज्यादा काम हुआ है अब हम लोग चल रहे हैं बर्गर जो बेस्ट बर्गर है यहाँ पर वहां पर सेल करने के लिए क्योंकि वहां पर हमको अच्छे रेट मिलेंगे तो चलते हैं और अगर आपको वीडियो अभी वी तक पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना डिस्क्रिप्शन में या फिर कॉमेंट सेक्शन में मेरा फेसबुक पेज का लिंक है तो उसको भी जाके फॉलो कर देना क्योंकि मुझे दस हज़ार फॉलोअर्स उसमें कंप्लीट करने हैं तो प्लीज जाके फॉलो कर लेना और अब हम लोग पहुंच ही चुके हैं यहाँ पे और यहाँ पे मुझे ट्रक लगाना होगा पहले इधर से अगर ऑफर चल अरे और ओरे बॉपरे ओरे बापरे कुछ तो चल रहा है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे मैंने एग वैग रखे हैं शायद वो भी मैंने कुछ वीडियो का आइडिया सोचा था तो उस चक्कर में मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पे एग रखे हैं कुछ तो है यहाँ पे जिसकी वजह से इतना लैग कर रहा है ओरे बॉपरे बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है ओके अरे यार मैं ट्राई करूंगा ना कि मैं कूलर्स को ना बेचूं ये देखो ये सब एग हैं यार ये सारे के सारे ना एग है और ये अभी आ, इस एरिया में नहीं है तो ये सेल भी नहीं हो सकते अभी देखो यहाँ पे ना आ, एग वो एग का रेट मिल रहा है एक काम करते हैं सबसे पहले ना एग सेल कर लेते हैं फटाफट से ताकि ये लैग खत्म हो जाए इसकी वजह से मेरा पूरा गेम भी थोड़ा बहुत लैग तो कर ही रहा होगा और ये तो कर ही रहा है ये अभी डिटेक्ट अब हो जाएगा प्रॉपर तरीके से तो एग सेल कर लेते हैं सारे के सारे आज अच्छा रेट मिल रहा है मैंने इसीलिए रखे हुए थे और अब हमारे पास वैसे भी चिकन फार्म है तो एग की कोई टेंशन नहीं है एग दोबारा से मिल जाएंगे जब भी हमको कुछ बनाना होगा चीज़ वगैरह तो फटाफट से इसको कर लेते हैं अभी ओके वन पॉइंट एट का मल्टीप्लायर मिल रहा है हमको तो अभी फटाफट से सारे के सारे आ, बीफ नहीं पहले मेरे को एग एक, एक काम करते एक काम करते गलत ही से ना ऐसा हो जाएगा कि एग बाद में मतलब ये ये भी बिक जाएगा तो मैं ये इसको अभी बेचना नहीं चाहता पहले हमको इसको आगे लगाना होगा पहले मैं सिर्फ एग वहाँ से खाली कर रहा हूँ ताकि ये लैग खत्म हो जाए तीन एफ आ रहे हैं कभी फोर्टी टू आ रहा है कभी ज़्यादा आ रहा है कभी कुछ आ रहा है तो फटाफट से पहले सारे के सारे जो एग हैं वो बेच देते हैं मेरे को बास्केट तो नहीं बेचनी थी वैसे बास्केट नहीं बिक रही ना तो हाँ तो कितने एग है एक हज़ार <laughs> यार ये कोइंसिडेंस है कि हम लोग हज़ार मीट बॉल बेच रहे हैं और हजार एग भी एक साथ में बिकने वाले हैं हज़ार से ज़्यादा ग्यारह सौ अट्ठारह एग हैं तो सेल कर देते हैं बारह हज़ार के अंडे बेचे मैंने आज ओके सब बेच दिए अब यहाँ पर ये बास्केट से इनको फटाफट से वापस जैसे थे वैसे का लगा लेता हूँ क्योंकि ये यहीं पर सही लग रहे थे ओके तो पोर्क मीट बॉल है यहाँ पर वैसे बाकी तो मैं नहीं लग आ, मतलब पोर्क भी है हमारे पास थोड़ा सा तो पोर्क मीट बॉल में हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेट मिलेगा अभी भी लैग कर रहा है यार कुछ तो मतलब मेरे को लग रहा है ना ये <laughs> हर बार की तरह अनएक्सपेक्टेड कर दिया मैंने और ये इतना झेल नहीं पा रहा है कि मुझे लगा था कि अंडों की वजह से हो रहा बट अंडों की वजह से नहीं हो रहा था अब जाके अंदर चलते हैं और ट्राई करते हैं कि कितना है हमारे पास ठीक है मेरे को सबसे पहले एक हजार आइटम्स है एक सेकंड इसमें इसमें कूलर तो नहीं बिक रहे ना ओ यहाँ पर ना सबसे बेस्ट चीज यही है यहाँ पे अगर मैं झटके से सेल भी करना चाहूँ ना तो कूलर नहीं बिकेंगे यहाँ पे जनरल स्टोर में होता है कि कूलर के साथ साथ गाड़ी तो नहीं बट हाँ ट्रेलर वगैरह होता है तो वो बिक जाती तो यहाँ पर सारे के सारे ये मीट बॉल है ठीक है तो सब कुछ ही मीट बॉल है यहाँ पर ओ हो एग्जैक्ट वन थाउजेंड मीट हम लोग सेल करने लेके ले आ रखे हैं और सिक्सटी थ्री थाउजेंड डॉलर के मीटबॉल है ओके okay. <laughs> तो सबसे ज्यादा इसमें कौन? चिकन सलामी मीटबॉल, बॉल चिकन मीटबॉल बॉल बहुत सारे हैं यार मतलब क्या बोलो अलग अलग वेराइटी है पोर्क वाला भी कहीं ना कहीं होगा देखो पोर्क पोर्कॉल है जिसमें हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेट मिलेंगे तो चलो अभी इसको बेच देते हैं अभी मेरे है सताईस हजार डॉलर और इसको बेचने के बाद हमारे पास हो जाते हैं बिगा नहीं क्या एक, एक सेकंड को लग रहा है हैंग हो गया ओके बिक चुके हैं नाइनटी थाउजेंड डॉलर हमारे पास हो चुके हैं अभी इतने ही मेरे पास पहले भी थे मतलब वन लैख के अरे यार एक सेकेंड इतना अंधेरा क्यों हो गया रात हो चुकी है बाप रे <laughs> कितना सारा सामान हम लोग सेल करने लाए थे यहाँ पे तो बहुत कुछ काम करा और जो चैलेंज लिया था मैंने मेरे को लगा था मुश्किल होगा बट फाइनली कंप्लीट कर लिया तो फिलहाल इसी के साथ एपिसोड का करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलना और हाँ फॉलो भी कर लेना तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू